Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning the concept of one and many. हम कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे? वन एंड मैनी. वन यानी कि एक ही चीज़ और मैनी यानी कि बहुत सारी चीज़. ठीक है, वन यानी कि एक ही चीज़, मैनी यानी कि बहुत बहुत सारी चीज़. सो रीड एंड अंडरस्टैंड. देखो हट, हट जो है एक ही है यहाँ पे, इसीलिए हट है. जब ज़्यादा हो जाते हैं, मैनी हो जाते हैं, वॉट इट बिकम्स? हट्स. वी यूज एस फॉर हट्स. जब मैनी हो जाते हैं हम क्या लगाते हैं? एस, हट्स. ये है हट जो एक ही है. व्हेन इट गोज टू मैनी सो इट बिकम्स हट्स. नाउ दिस इज वन बीन. बीन, बीन्स. देखो एस लग गया. जब चार बीन है, देर आर फोर बीन्स, सो इट बिकम बीन्स. मैट, मैट्स. अंडरस्टूड द कंसेप्ट? आर यू गाइस क्लियर? क्लियरली आपको समझा कि वन एंड मैनी का क्या डिफरेंस है? जब एक होता है, वन होता है, इट इज हट, ओरिजिनल नेम. और जब ज़्यादा होते, एक से भी ज़्यादा हो जाते हैं, मैनी हो जाते हैं, वन टू थ्री फोर, सो इट बिकम हट्स. वी यूज एस. ओके, सो एड एस टू मेक मैनी. देखो हमें जब ज़्यादा बनाना होता है तो हमें क्या ऐड करना होता है? लेटर एस. सो दिस इज पॉट. सो पॉट्स. देन बैट, बैट्स. पेग, पेग्स. Zip, zips. Cup, cups. Now we'll go to the next page, filling the blanks. One cat and two cats. Can you see? One cat. This is only one and this is many. So this is two cats. एक से जब भी ज़्यादा हो जाते हैं तो that is many. So here there is one cat and here it is two cats. One pan, four pans. We'll add letter S. Pans. Okay. Now one rat, six rats. What will be adding? We'll be adding here letter S. One cap, five caps. One hat, three hats. Now, circle the correct word for each picture. अभी देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया है एंड देर इज़ अ पिक्चर मैनी. सो एक सिंगल वर्ड भी है एंड देर इज़ अ वर्ड विच हैज़ लेटर एस इन इट. सो यहाँ पे कितने कप्स है? वन, टू. सो इट इज़ मैनी, ज़्यादा है. व्हाट डू वी ऐड मैनी के लिए? एस. सो दिस इज़ अ राइट correct word for this picture. Now there is only one bun. So this is not buns but this is bun, B-U-N, bun. Now this is hat. So hats aega ya hat aega? So this too you do, that is your homework.